चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की पृथ्वी हमारा आवास के नाम से जो आपकी बुक्स है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग 7-6 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 7वां चैप्टर हमारा है हमारा देश भारत के बारे में। ठीक है, हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हमारा हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ये आपका बीच में भारत है, उत्तर में हिमालय है आपका, इस तरफ आपका अरब सागर है, इस तरफ आपकी बंगाल की खाड़ी है यहाँ, और आपका नीचे हिंद महासागर लगा हुआ है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय महामरुस्थल उत्तरी मैदान आसमान पठारी सतह तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु वनस्पति वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारे हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। प्रायद्वीप बात कर ही लिए थे पहले भी हम लोग। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह आप समझ रहे कि इसी तरह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी ये बुक्स कक्षा 8वीं तक की आपकी जो भी बुक्स हैं नॉर्मल हैं, इसी तरह आपकी। देखिए प्रायद्वीप कितनी सरल भाषा में लिखा गया है, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा है प्रायद्वीप है आपका। किस तरह ठीक है, अब बात करते हैं स्थिति, भारत की स्थिति के बारे में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत आपका कहां स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, समझ रहे। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी पूर्व देशांतर के बीच है। आपको याद रखना है 84 से लेकर 376 और 68 687 से 97 25 तक। ठीक है, इसे किसी तरह आप लोग याद रख लिए 84 376 68 7 से 97 25 तक। ठीक है, यहाँ उत्तरी अक्षांश लगाना आपको जरूरी है, जब इंटरव्यू में पूछे तो आपको उत्तरी अक्षांश लगा लेना। ठीक है, पूर्वी ओर अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। बड़े देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री के कारणों यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय पर बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर दो स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 5 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होते हैं आपके। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7, कनाडा ने 6 मानक समय रेखाएं निर्धारित की हैं। ठीक, रूस ने 11। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें हम लोग तो 7 देशों की स्थलीय सीमा
इनकी सीमाओं से जुड़े हैं। भारत से कौन कौन से देश लगते हैं? आपका अफगानिस्तान लगता है, पीओके वाले हिस्से से। पाकिस्तान लगता है आपका? याद रखना कि सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान से, केवल पीओके वाले हिस्से की, और सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश से। ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका चीन है, नेपाल है, भूटान है, ये आपका म्यांमार है, ठीक है, और आपका यहाँ श्रीलंका है। पाक जलडमरू द्वारा अलग होता है श्रीलंका। ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप है, और ये आपका लक्षद्वीप है, मालदीव है, ठीक है। आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि हमारे देश से कि सभी राज्यों का क्रम, और हमारे देश से जो भी राज्य अन्य देशों से लगते हैं उन्हें भी याद रखना है। अब क्या बात करेंगे हम लोग, याद रखिए 2020 में हम लोग एक बुक्स देख रहे हैं, तो आपका जो जम्मू कश्मीर है इसे दो भागों में बांट दिया 2019 में, आपको पता होगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो अब आपके 28 राज्य बचे हुए हैं, पहले 29 थे, ठीक। तो ये आपका जम्मू कश्मीर, यही लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ मतलब पंजाब, ये हरियाणा है, उत्तराखंड, दिल्ली है आपका, ये उत्तर प्रदेश है, ये आपका राजस्थान है, यानी कि ये राजधानियां हैं, याद रख लेना आप। गुजरात है आपका, ये मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी, गोवा, यही दमन एवं द्वीप, फिर आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भी आपका दो भागों में बढ़ गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये उड़ीसा है आपका, पश्चिम बंगाल, ये आपका असम, यहाँ आपका सिक्किम है, ये आपका भूटान लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, वो आपका ये त्रिपुरा है, ये आपका मेघालय, ठीक है, ये है आपके देश, राज्यों जो राज्य लगे हुए हैं देशों से, जैसे आपका पाकिस्तान से याद रखना, गुजरात भी लगता है, राजस्थान लगता है, पंजाब लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, चार राज्य अपने पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, ठीक है, ये सभी देख लेना आप लोग। आगे हम लोग बात करते हैं इनमें से, देख लिया, दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जलडमरी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में पहले बांटा गया था, ये बहुत पहले का हुआ है, याद रखना। अभी आपके 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है। तो अब हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप, ये आपका हिमालय है, दिख रहा है, शिवालिक है आपकी श्रेणी, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आपकी गंगा नदी है, यही चंबल नदी है, यमुना नदी, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, ये आपकी अरावली श्रेणी है, भारतीय महा मरुस्थल, इसमें याद रखना, ये आपकी पर्वत पहाड़ियां पहाड़ियां श्रेणी है, जो लाइन के रूप में, ठीक है, आपकी जितनी भी लाइन है, और ये पर्वतीय भाग है आपका, पर्वतीय प्रदेश, ये पीले रंग में आपका पठारी प्रदेश है, ये पठारी प्रदेश, और ये आपका मैदानी प्रदेश है, ठीक, ये आपका तटीय प्रदेश है, पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट हो गया, ठीक, कृष्णा नदी है, दक्कन है, गोदावरी है, ये ताप्ती नर्मदा सतपुड़ा रेंज है, ये कच्छ की खाड़ी है, आपकी खंबात की खाड़ी है, आपकी गंगा नदी यहाँ डेल्टा बनाती है, ठीक, और एस्चुरी बनाती है आपकी नर्मदा ताप्ती,
ये लक्षद्वीप सागर देख लिया था, अंडमान निकोबार सागर, ठीक है आपके ये देख, याद रखना ये आपकी सिंधु नदी पाकिस्तान में, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी है, आपको पता है। राज्य का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब देखिए ये दी गई है, जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप, अब इतने कितनी सरल भाषा में इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी को तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती है, जाती है। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, सहायक नदी कहती है। इसमें कहाँ आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखी हुई। बात करते हैं भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर, बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे ऊपर ऊपरी स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं, बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट है, फिर आपका मध्य हिमालय या हिमालय, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। आपके पांच पहाड़ियां पहाड़ी स्थानों के नाम पर नाम है यहाँ, ठीक है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है, हिमालय के दक्षिण में आपका उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल या समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने नदियों के। ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक रहती है। यहां देख लेते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदियों के मुहाने पर बनता है, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, ठीक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है, यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति आपकी त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला की स्थित है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है आपकी अरावली, याद रखना है। अरावली जो श्रृंखला है आपकी सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर आपकी नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लोहा, ऐस की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सक्रिय है, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। या पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर आपका सुंदरबन डेल्टा बनता है, ठीक है, याद रखना है आपको। बहुत सी लड़कियों के नाम नदियों के नाम पर होते हैं, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या प्रवाल, अब इसे याद रखना, प्रवाल छोटे समुद्रों के समुद्री जंतुओं के कंगाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है, कंकाल बच जाता है। अनपॉलिप की विधि में इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है, प्रवाल द्वीपों को।
सुनामी। एक सवेरे बड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया सुनामी। दानवी ने अपना विलयंकारी कहर बढ़ाया, समुद्र में उठा आलोड़न मीलों दूर फैला साया। प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया, विनाश का था विकराल आकार चारों ओर मचा हाहाकार। कोई नहीं बचा पाया उससे, कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बचाने अपना अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ तीक्ष्ण सहायता में पीड़ितों के, या दिखाने संकर सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियां दमकेंगी। ये इन्होंने कविता लिखी हुई है। भारत में दो द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और एक केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप समूह है, और दूसरा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ आपके भूकंप सुनामी आती रहती है। ठीक, ये आपके इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस हैं। जैसे पाक जल संधि किन किन को देशों को अलग करती है, भारत एवं श्रीलंका, याद रखिए। पता है आपको इस तरह के पाक जल संधि से संबंधित क्वेश्चन आपके वन डे एग्जाम में बहुत आते हैं, क्योंकि पाक पूछ लेता है पाक जल संधि किन किन देशों को अलग करती है। तो लोग क्या करते थे कि भारत और पाकिस्तान लगा देते थे, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि पाक नाम है तो पाकिस्तान को अलग करती होगी, लेकिन ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ये था हमारा देश भारत। आगे हम लोग देखेंगे भारत, जलवायु, वनस्पति, वन प्राणी। ठीक है।